हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सतीश नर्सिंग एकेडमी पर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की जो परमानेंट वैकेंसी वापस जो है इन्होंने रिवाइज नोटिफिकेशन जारी किया है और काफ़ी मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि सर इसके बारे में थोड़ा क्लेरिफिकेशन करें। तो दोस्तों वापस ये वैकेंसी आ गई है, परमानेंट वैकेंसी है। पोस्ट बता दूँ 4102 है, लेकिन उसके पहले बता दूँ ये रिवाइज्ड नोटिफिकेशन है। ओके, इसके जो नोटिफिकेशन है पहले रिलीज़ हो चुकी है, इसकी लास्ट डेट भी निकल चुकी है, लेकिन इसकी वापस डेट बढ़ा दी गई है और इसमें क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस को भी थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया है। देखिए, आप सभी देख सकते हो विज्ञापन संख्या 11/2020, आपको याद ही होगा अगर आपने में से किसी ने भरा हो। स्टाफ नर्स का फॉर्म 4102 टोटल पोस्टें के लिए फॉर्म भरा था। चलो मैं उसका पीडीएफ भी आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। तो ये देखिए दोस्तों, पिछला नोटिफिकेशन 4102 पोस्ट है इसमें टोटल, और विज्ञापन संख्या देख सकते हो आप 11/2020 जो कि मैंने बताया था आपको, ठीक है। BCRC के लिए इसमें परमानेंट वैकेंसी है ये, और इसकी लास्ट डेट थी, आपने अप्लाई किया हुआ तो 20/1/2021 इसमें लास्ट डेट थी। तो दोस्तों काफ़ी इसमें स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो रहा है कि सर ये दोबारा वैकेंसी निकली है तो हम इसमें क्या दोबारा अप्लाई करें, अगर हमने पहले अप्लाई कर दिया तो दोबारा हमें अप्लाई करना पड़ेगा, क्या हमें दोबारा फीस इसमें देनी पड़ेगी या फिर नहीं देनी पड़ेगी, तो थोड़ा क्लियरफिकेशन करें सर। तो मेरे पास काफ़ी मैसेज आ रहे थे तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बना दूँ। दोस्तों अभी आपके पास फिर से आपको मौका दे दिया है गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने स्टाफ नर्स के रूप में। ओके, तो 4102 टोटल पोस्ट है। इफ़ अगर जिन कैंडिडेट ने पहले इसमें अप्लाई कर दिया था उनको इसमें अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, और जिन लोगों ने इसमें अप्लाई नहीं किया था वो इसमें अप्लाई कर सकता है, और इसकी लास्ट डेट बढ़ा दी गई है 18 जून, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 18/6/2021 तक बढ़ाई गई है। तो इसमें मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा। वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है एंड तक देखें, कोई आपका सवाल जवाब हो मुझे कमेंट करके जो है पूछ सकता है। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, सभी नोटिफिकेशन इसके मैं अब मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम पर मैंने डाल दिए हैं, अगर आप ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें यार। ओके, और इसके साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम मेडिकल नर्सिंग काउंसलिंग और नर्सिंग और मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड जानकारी और नर्सिंग वैकेंसी लगातार हमारे चैनल पर डालते रहते हैं। तो इसमें बात करेंगे राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के विज्ञापन संख्या 11/2020। ओके, तो ये इसमें मैंने बता दिया आपको पिछला, और विज्ञप्ति स्टाफ नर्स के क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का निम्न रूप में संशोधित किया गया है। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ क्या क्या संशोधन किया है। मैं इसमें पहले अपन इस जो है PDF को इस विज्ञापन को पढ़ लेते हैं, और इसके बाद मैं आपको पिछला जो विज्ञापन था पुराना, जो 6 महीने पहले ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया था और आप सब अपने फॉर्म भरे थे, उसको भी मैं दोबारा क्लियर करूँगा। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको पूरी जानकारी इसमें समझ में आ जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है जिन लोगों ने इसमें अप्लाई किया है उनको अप्लाई करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, उनको जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया था वो इसमें अप्लाई कर दे दोबारा स्टाफ नर्स में। अब 4102 पोस्टें हैं और ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। प्रूफ के साथ मैं आपको बताऊँगा, पूर्व में प्रकाशित क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस देखिए, इसमें दो चीज़ें दी गई है। एक तो पहले जो प्रकाशित थी क्वालिफिकेशन और क्वालिफिकेशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, और जो संशोधित की गई है इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन वो इसमें दी गई है। तो इसमें बात करेंगे GNM जनरल नर्सिंग और जो कोई भी नर्सिंग काउंसलिंग से, ठीक है, ये देखिए एनी नर्सिंग स्कूल या फिर इंस्टीट्यूट। ओके, यानी कोई भी आपका इंस्टीट्यूट नर्सिंग काउंसलिंग से हो या इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग से हो तो इसमें आप जो है अप्लाई कर सकते थे पहले। और कैंडिडेट शुड बी रजिस्टर्ड विद नर्सिंग काउंसलिंग, आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना जरूरी था। अब इसमें संशोधित क्या किया है मैं बता दूँ आपको, देखिए इसमें वही है GNM वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी स्कूल से हो, कोई भी यूनिवर्सिटी से हो या कोई भी नर्सिंग कॉलेज से हो, ओके, किसी भी स्टेट से या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग से, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एनी स्टेट साफ साफ लिखा गया है इसमें, एनी स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग एंड द कैंडिडेट शुड रजिस्टर्ड। तो देखिए कुछ चेंज नहीं किया गया है इसमें, GNM वालों के लिए वही है जो पहले सेम कंडीशन थी, वो अभी भी कंडीशन वही है, चाहे कोई भी एनी स्टेट से हो अप्लाई कर सकते हैं 4102 पोस्ट के लिए, कोई एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए GNM वालों को। चले दूसरी कंडीशन में चलते हैं, BSc नर्सिंग के लिए पहले क्या बताया गया था, BSc नर्सिंग फ्रॉम एनी नर्सिंग काउंसलिंग, कोई भी नर्सिंग स्कूल से हो या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट से हो या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग से हो या फिर एनी स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग से हो तो वो इसमें अप्लाई कर सकता था BSc नर्सिंग वाला, और उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जरूरी चाहिए था इसमें अप्लाई करने के लिए। तो इसमें देखिए क्या संशोधित किया गया है, अभी भी इसमें वही है BSc नर्सिंग वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे एनी नर्सिंग काउंसलिंग एनी लिखा हुआ है या तो ध्यान दे लीजिए, या आप कोई भी स्टेट से इसमें आप अप्लाई कर सकते हो या फिर इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाय इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग INC से भी हो तो अप्लाई कर सकते हो, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट बिहार से हो, ये देखिए इसमें ये कुछ चेंजेस हुआ है, अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हो तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एनी स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग अगर कोई भी स्टेट से हो, राजस्थान मध्य प्रदेश गुजरात कोई भी ऑल इंडिया से इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें भी आपसे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है BSc नर्सिंग में।
चलिए तीसरी कंडीशन की बात करेंगे, पोस्ट बेसिक बेसिक नर्सिंग वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं कोई सी भी स्टेट से हो वो। और अब इसमें क्या फेरबदल किया है, तो पोस्ट बेसिक वाले अप्लाई कर सकते हैं चाहे वो कोई से भी नर्सिंग इंस्टीट्यूट से हो स्टेट से हो, कोई दिक्कत नहीं है, INCC पे अप्लाई कर सकते हो। और गवर्नमेंट देखिए इसमें गवर्नमेंट कैंडिडेट को भी जोड़ दिया है कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार से हो तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें नोट लगा के कुछ चीज़ें बताई गई थी आपसे, तो पहले क्या बताया गया था मैं बता दूँ आपको। पहले जो आपको चीज़ें इसमें बताई थी वो बताई थी नोट्स लगा के, कैंडिडेट शुड जो स्टूडेंट इसमें अप्लाई करेगा उसके पास परमानेंट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए बिहार का, या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग का, या फिर एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग का, यानी ऑल इंडिया से इसमें अप्लाई कर सकते थे। बट इसमें एक शर्त ये थी कि सेलेक्टेड कैंडिडेट जो सेलेक्टेड हो जाएंगे उनको जो है प्रोवाइड करवाना पड़ेगा परमानेंट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन, ओके पटना बिफोर देयर जॉइनिंग, यानी आपको जॉइनिंग से पहले आपको जो है बिहार में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और उसको जो है आपको प्रोवाइड देना पड़ेगा वहाँ पर बिहार स्वास्थ्य समिति में। अब इसमें फेर बदल करके क्या बताया गया है, देखिए कैंडिडेट शुड हैव परमानेंट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम बिहार नर्सिंग काउंसिलिंग, आपके पास जो है परमानेंट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए बिहार नर्सिंग काउंसिलिंग का, या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग का, या फिर एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग का, चाहे कोई भी स्टेट से हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। सीधे सीधे सिंपल बात है, इसमें ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, और GNM BSc नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग तीनों से एक्सपीरियंस नहीं मांगा है इसमें, ठीक है। और वापस वही कंडीशन है, आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन जो है वापस प्रोवाइड करवाना पड़ेगा बिफोर जॉइनिंग, ओके जॉइनिंग के पहले में पटना में आपको चेंज करवाना पड़ेगा। अब इसकी ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि क्या बताई गई है, तो मैं बता दूँ 12/6/2021 से 18/6/2021 6 दिन आपको दिए गए हैं, 18 जून आपकी इसमें लास्ट डेट रहने वाली है। तो दोस्तों जिसने भी अप्लाई नहीं किया अप्लाई कर दे, ओके। अब चलिए चलते हैं इसके पुराने नोटिफिकेशन की तरफ। ये देखिए शुद्धि पत्रता, यानी ये संशोधन पत्रता, इसमें क्या संशोधन, यानी सिंपल सी बात है, एक कारण ये भी हो सकता है कि कोरोना की वजह से इसमें जो है आपकी परीक्षा नहीं ली गई और अब वापस डेट बढ़ा दी गई है ताकि आपको थोड़ा सा मौका मिल जाए तैयारी का, और 18/6 इसमें लास्ट डेट रखी गई है ताकि जो विद्यार्थी वंचित हो गए थे वो दोबारा इसमें अप्लाई कर दें। तो चलिए चलते हैं पुराने नोटिफिकेशन की तरफ, उसको भी मैं थोड़ा सा आपको दोबारा क्लियर करा देता हूँ। देखिए मैंने पहले जो वीडियो बनाई थी इसी वैकेंसी की, तो उसका लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, तो देख लीजिएगा आप। फिर भी मैं आपको दोबारा जो है बता देता हूँ सभी कुछ जानकारी। ये देखिए दोस्तों पुराना नोटिफिकेशन आपके सामने आ गया है, और ये दोनों नोटिफिकेशन रिवाइज और पुराना मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम पे सेंड कर दिया है, जो जरूर कीजिएगा, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ क्लिक कीजिए, डायरेक्ट आप जो है मेरे ग्रुप में शामिल हो जाओगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं स्वास्थ्य समिति बिहार की तरफ से 4102 पोस्ट आपकी निकाली गई थी, और मैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन दोस्तों नहीं बताऊंगा, मैंने बता दी है आपको रिवाइज नोटिफिकेशन में, ओके वही है ये पुरानी है सभी कुछ जानकारी, और अभी जो रिवाइज है वो मैंने बता दिया आपको सिर्फ पोस्टों की, और अदर जानकारी हम बात कर लेते हैं। 4102 पोस्ट है अनरिजर्व की, 1041 है, 573 अनरिजर्व EWS की, 290 EWS की। एक बात मैं बता दूँ आपको, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है वो अन्य जोन में ही गिने जाएंगे, तो आप अपनी पोस्ट 1041 ही मान के चले, और फीमेल अपनी 573 मान के चले, तो ये सीटों का बंटवारा हो गया। और सैलरी आपकी कितनी रहने वाली है, देखिए 20,000 इसमें सैलरी आपकी रहने वाली है। देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन की मैंने पहले जानकारी दे दी, अब दोबारा चलिए और आगे बात करते हैं एज लिमिट की, तो एज लिमिट में कोई फेरबदल नहीं है, वो एज लिमिट रहने वाली है, ओके 1 जनवरी 2021 से आपको काउंटिंग करनी है, ओके अनरिजर्व और EWS के लिए आपको 37 साल रखी गई है, अनरिजर्व EWS फीमेल के लिए आपकी 40 रखी गई है, BC MBC मेल फीमेल के लिए 40, AC ST मेल फीमेल के लिए 42 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, और 10 साल का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ओके अपनी एज में, लेकिन ये सिर्फ बिहार वालों को मिलेगा, ठीक है अनरिजर्व वाले अपन वैसे भी कोई से भी कार्ड से हुआ स्टेट के अनरिजर्व में ही गिने जाएंगे। चलिए और इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ, अगर आपकी इसकी विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप स्टेट हेल्थ सोसाइटी .bihar.org पर जाके सभी कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे मैंने इसका PDF मेरे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम पर दे दिया है, दोबारा बोल रहा हूँ ज्वाइन कर लीजिए। न्यूनतम आयु दिनांक आपकी 1/1/2021 1 जनवरी 2021 को मान के चलनी है, न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए आपकी, ओके अधिकतम मैंने बता दी ऊपर आपको, कट ऑफ जो है 1/2/2021 शैक्षणिक योग्यता, ओके ये 10 वर्ष जो ठीक है ये बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। आपको आवेदन किस तरह करना है, तो आपको इस वेबसाइट पर जाना है statehealthsociety.bihar.org पर, करियर्स लिंक पर क्लिक करना है, और ऑनलाइन अप्लाई पर क्लिक करके आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है, ठीक है दोस्तों। और जिन्होंने पहले अप्लाई कर दिया था उनको अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई उनको संशोधन नहीं करना, ये सिर्फ नए विद्यार्थियों के लिए रिवाइज नोटिफिकेशन जारी किया है। और ये देखिए ये डेट जो इसमें दी गई है ये पुरानी डेट है 20/1/2021 अंतिम तिथि, लेकिन अभी की जो तिथि है वो है आपकी 18 जून 2021, ठीक है।
चले बात करेंगे इसमें। अभी देखिए इसमें चीज़ें कैसे रहने वाली है, तो मैं बता दूं आपको नियोजन ये वैसे तो संविदा पे है, संविदा के आधार पे वैकेंसी होने वाली है, 11 महीने के लिए है ये, लेकिन संतोष पद कार्य रहने पर, यानी अगर आप 11 महीने काम कर लोगे तो आपको जो है इसमें परमानेंट कर दिया जाएगा। और बता दूं मैं कहाँ लिख रहा है ये परमानेंट कर दिया जाएगा, चलिए एक सेकेंड देखिए, पीडीएफ काफ़ी बड़ा है, पढ़ लीजिएगा जिन्हों जो नए कैंडिडेट है, पुराने वालों ने तो पढ़ ही लिया होगा अप्लाई करने से पहले। चलिए इसमें एक चीज़ बता दूं मैं पहले, वो बताने से पहले कि अप्लाई किस तरह करना है। फीस इसमें देख लीजिए, अनरिजर्व EWS BC MEC 500 रुपये पुरुष के लिए, महिला के लिए 250 रुपये। ओके, अब अदर स्टेट बिहार के अलावा जो अदर स्टेट है उनके लिए पुरुष यानी मेल के लिए 500 और फीमेल के लिए 250 रुपये फीस लगने वाली है। इसके अलावा SC ST बिहार डोमिसाइल के जो है SC ST वाले उनके लिए पुरुष के लिए 250 और महिला के लिए 250 और दिव्यांग के लिए 250 और महिला दिव्यांग के लिए भी 250, यानी अन्य जो अदर स्टेट के हैं बिहार के वो उनके लिए तो 500-250 ही लगने वाली है इसमें आपकी जो है फॉर्म फीस। चले बात करते हैं चयन है तो निम्नलिखित के अनुसार 100 नंबर का आपका जो है पेपर होगा, स्टाफ नर्स का 4102 पोस्ट है, CBT टेस्ट होगा कंप्यूटर पे 100 नंबर का, इंटरव्यू यानी सैलरी पर मंथ 20,000 आपकी रहने वाली है। देखिए आपको फॉर्म डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या जरूरत पड़ेगी, ऑनलाइन फिल एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा जब आप अप्लाई फॉर्म पे कैरियर पे जाओगे इस वेबसाइट पे जाके चेक कीजिएगा, कोई दिक्कत आती है मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा, मैं आपका फॉर्म भरने में हेल्प करूँगा। 5 पासपोर्ट साइज के फोटो, आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी चल जाएंगे। जन्मतिथि मैट्रिक मूल प्रमाण पत्र चल जाएगा, हाल एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10-12 और आपकी डिग्री की मार्कशीट है या फिर डिप्लोमा की मार्कशीट है। आपका एक्सपीरियंस हो तो वो भी चाहिए आपको, और NOC चाहिए, इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र चाहिए। ओके, और जिससे भी जोन से भी कास्ट है आपको वो सर्टिफिकेट आपको इसमें चाहिए होगा। और देखिए इसमें बताया गया है किन किन केबी में, देखिए पूरा पढ़ लीजिएगा आप, बिहार की इसमें जो आपका फ़ोटो है वो 10 KB से 100 KB के बीच, 20 KB से 100 KB के बीच होना चाहिए, हस्ताक्षर आपके 10 KB से 100 KB के बीच होने चाहिए, तो सभी कुछ इसमें जानकारी बिल्कुल डिटेल दी गई है, आप पूरा PDF ध्यान से पढ़ें आवेदन करने से पहले। चले बता देता हूँ सब कुछ जानकारी, आई थिंक मैंने इसमें कवर कर ली, कोई छूट जाती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। 11 महीने 1 साल तक आपसे इसमें जो है काम कराया जाएगा और उसके बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये देखिए लिखा गया है साफ साफ 11 महीने के लिए किया जाएगा, अगर संतोषप्रद काम करते हो तो संविदा अवधि का विस्तार 60 वर्ष तक आपकी जो भी गवर्नमेंट होती है परमानेंट 60 वर्ष तक आप लिए कर सकते हैं कंटिन्यू। तो ये थी बिहार CHU वैकेंसी, तो मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी, रिवाइज नोटिफिकेशन में कुछ नहीं है, सिर्फ नए स्टूडेंट के लिए वैकेंसी आई थिंक इसकी डेट बढ़ा दी है, और इसका कारण ये हो सकता है कि कोरोना जब खत्म हो चुका है, कम हो गए केसेस, तो आई थिंक यह परीक्षा जल्दी करा दे। वैसे भी बिहार स्टेट जो है अपने नर्सिंग प्रोफेशन में काफ़ी तेज़ होता है एग्ज़ाम करवाने में और रिजल्ट डिक्लेयर करने में। तो ये थी पूरी वीडियो, इसी के साथ मिलते हैं नए स्टूडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर दोस्तों।